स्टार प्लस पर एक बिल्कुल नया शो शुरू होने वाला है। शो का नाम होने वाला है तितली। इस शो में नजर आने वाली है नेहा सोलंकी तितली के रोल में। उसके साथ ही ये भी खबर निकल कर आए है, ये शो बना रहे हैं स्टोरी स्क्वायर प्रोडक्शन। इस शो में तितली यानी स्नेहा सोलंकी के ऑपोजिट नजर आने वाली है नाथ जेबरिया जंजीर फेम अविनाश मिश्रा। तो खबर यही निकल कर आई है स्टार प्लस की न्यू शो तितली में नजर आने वाली है अविनाश मिश्रा एंड नेहा सोलंकी की जोड़ी। उसके साथ ही ये भी खबर निकल गई है इस शो में तर्जन मूवी फेम एंड एक हसीना थ्री सीरियल फेम बत्सल सेठ इस शो में कैमियो में नजर आने वाला है। अविनाश मिश्रा विल बी पेयर्ड ऑपोजिट नेहा सोलंकी इन बेतरा स्नेक्स टाइटल तितली फॉर स्टार प्लस। बत्सल सेठ टू डू अ कैमियो इन द शो। स्टोरी ऑफ द शो विल बी बेस्ड ऑन सोशियल इविल ऑफ डोमेस्टिक एब्यूज। How the protagonist gets into an abusive relationship and how she comes out of it, the core of the story. तो खबर ये निकल गई है इस शो की कहानी बेस्ड होने वाली है सोशियल इविल ऑफ डोमेस्टिक एब्यूज। अभी खबर ये निकल गया है कि तितली सीरियल में प्रियांशु पाराशर भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल में नजर आने वाली है। उन्होंने कास्ट को ज्वाइन भी कर लिया है। प्रियांशु पाराशर joins the cast of story sequel production तितली फॉर स्टार प्लस। बालवीर सीजन 3 हमें सोनी सब पर देखने को मिल रहे। इस शो में हमें देव जोशी फिर से बालवीर के रोल में नजर आ रहे। उम्मीद थी कि बालवीर की ओपनिंग टीआरपी काफी ज्यादा अच्छा निकल कर आएगा, लेकिन बालवीर की जो ओपनिंग टीआरपी निकल कर आया है वो है सिर्फ 0.4। तो काफी ज्यादा कम टीआरपी रेटिंग्स मिला है बालवीर सीजन 3 को, जो हमें देखने को मिलता है सोनी सब पर सैटरडे और संडे रात के 7 बजे। इस शो का सिर्फ 30 मिनट्स की ही एपिसोड टेलीकास्ट किया जाता है। उसके साथ ही इस शो को इतना ज्यादा कुछ अच्छे से प्रमोशन भी नहीं किया गया है, इसलिए इस शो का जो टीआरपी है वो काफी ज्यादा कम है, उम्मीद से भी कम है। बालवीर के सीजन 1 और सीजन 2 को काफी ज्यादा अच्छा टीआरपी रेटिंग्स मिला था, लेकिन बालवीर सीजन 3 को बहुत ही ज्यादा कम ओपनिंग टीआरपी मिला है। उम्मीद है कि बालवीर सीजन 3 को आने वाले समय में अच्छा टीआरपी मिले। सुहागन इज अ न्यू शो व्हिच विल बिगिन वेरी सून ऑन कलर्स टीवी। आकृति शर्मा विल बी प्लेइंग द फीमेल लीड ऑफ द शो एंड द प्रोमो हैज जस्ट बीन रिलीज्ड। द सीरियल ऑफ कलर्स टीवी विल बी अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस एज द चैनल हैज डिसाइडेड टू एंड सम ऑफ इट्स प्रीवियस शोज एंड इंट्रोड्यूस न्यू वंस। सुहागन विल बी वन न्यू शो दैट कलर्स टीवी विल एयर। सुहागन शो स्टोरी विल रिवॉल्व अराउंड बिंदिया हु लिव्स विथ हर यंगर सिस्टर पायल इन हर बुआस आंट होम एंड हर हस्बैंड। सेट इन अ विलेज बिंदिया एंजॉय ट्राइंग न्यू थिंग्स, हाउएवर सी इज बर्डन विथ मेनी हाउसहोल्ड ड्यूटीज इन एडवांस बाय हर आंट। सी कैन बी सीन वॉचिंग ऑल देयर क्लोथ्स alone without any complaints, however her little sister is different and has so much fun teasing their aunt who just scolded them. Later, when it is time to save Pavel from their aunt's ward, Bindiya takes all the punishment without any concern as she has so much innocence inside her. Will this young girl's fate be bound by household duties, however, or her life will take a new start when she will becoming a Suhagan? Colors TV is finding it hard to keep its serial running for a long time due to many fluctuations. With the addition of many serial at the beginning of 2023, the old ones are going off air and the channel had decided to bring new stories to people's TV screens. Since Suhagan will be a social drama where a young girl's life will be shown, the viewers might like it. However, the TRPs will depend on the consistency of the relatability factors of the story. Since Colors TV is famed for serial death, so society's current topics like dowry, child labor, poverty, child marriage, etc., Suhagan can be expected to do good. However, it will have to compete with Star Plus and ZTV serial, which rule the top 10 TRP list. So, देखने वाली बात होगी, जब ये शो शुरू होगा तो इसके कहानी, इसके किरदार कैसे फैंस को एंटरटेन करती है और TRP क्या निकल जाती है। तो इस बिल्कुल नई शो को देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है। कलर्स टीवी पर शुरू होने वाली है, तो किस शो को ये शो रिप्लेस करने वाला है अब तक ऑफिशियली कुछ भी खबर निकल कर नहीं आए हैं। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए। तो देखते रहे एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।